वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये सेफ्टी बेल्ट कैसे यूज होता है, इसमें क्या क्या लगा रहता है। ये दोस्तों देखिए, एक सेफ्टी बेल्ट है, इसमें ये जो ऊपर की ओर है ये एक डी हुक है, इसमें लाइनर लगता है। और ये देखिए दोस्तों, ये है शोल्डर पैड, इसको शोल्डर पैड बोलते हैं। और इसके नीचे देखिए ये वेस्ट पैड है, और ये ये थाई पैड, थाई में लगा रहता है, इसको थाई पैड बोलते हैं। ये देखिए सामने दो हुक दिया हुआ है, वही डी हुक, इसमें लाइफ लाइन लगता है, इसके ज़रिए हम हुक को लगा सकते हैं। और अभी देखिए ये जो ये इसको बकल कहते हैं, इसी पे हम थाई को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा टाइट कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। और ऐसा ही शोल्डर में भी दिया रहता है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे हाइट चेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए, इसको दोस्तों लैनियर कहते हैं, ये लैनियर में ये जो लगा रहता है इसको कहते हैं कारबाइंडर। और इसमें देखिए ये जो इसको टाइट करेंगे तो ये और इससे यहाँ से खुलेगा नहीं, टाइट ऑटो लॉक हो जाएगा। इसको लूज कर देंगे तो फिर ये वैसे ही खुल जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, ये देखिए। और इसको कहते हैं सकब्जर, जब उसमें लोड आता है ये धीरे धीरे से निकल के वहाँ से खुलता है नीचे की ओर। और ये देखिए इसमें दो रोप दिया हुआ है, ये रोप वो कहीं पे भी हम काम करते हैं तो वहीं पे लगाने के लिए दिया रहता है। और ये देखिए इस रोप में यहाँ दिया है ब्लू या ब्लैक का एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का मतलब है कि इसी के ज़रिए हम इसका लाइफ लाइन देखेंगे कितना है। ये देखिए इसी को कुछ दिन यूज करने के बाद ये अगर ऐसे ख़राब हो जाता है तो ये और काम का नहीं रहता है। इसी के साथ हमको पता चल जाता है कि ये हमारा लोड भी नहीं ले सकता और इससे हमारा काम भी नहीं बनेगा। और तो हम इसको चेंज करेंगे उस वक्त जब ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें दोस्तों दो रोप दिया हुआ है, जैसे कि हम एक पे काम कर रहे हैं दूसरे और शिफ्ट होंगे तो दूसरे को लगा के फिर पहले वाले को निकालेंगे, इसीलिए दो दिया हुआ है। और ये देखिए ऑटो लॉक का एक हुक है, ये ऑटोमेटिक लॉक होता है।